वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत 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 बढ़िया होंगे। सो आप सभी को गणेश चतुर्दशी की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि कल के व्लॉग में आपने देखा था कि हम लोगों ने गणेश चतुर्दशी की पूरी तैयारी कर ली थी, लैया वैया सब कुछ बना लिया था। और ये बंदा नहीं, अभी रुको अभी मुझे यहाँ जाना है अल्ट्रासाउंड के लिए, अल्ट्रासाउंड कराने जाना है। और 9:30 हो रहे हैं और ये देखिए मुँह ढक के ये उठने का नाम नहीं ले रहे भाई। मेरे लिए भी ठंडी है, मुझे भी ठंडी लगती है। मैं कल तेल लगाई थी, आप लोगों ने व्लॉग में देखा था, बालों में। और अभी मैं हेयर वॉश करके नहा धो के रेडी हूँ और ये उठा रही हूँ तो आँखों में आंसू देखिए आंखों इतनी ठंड है कोई बात नहीं, उठने का मौका देते हैं इनको। और तब तक हम चलते हैं फटाफट से नाश्ता बना लेते हैं, क्योंकि मम्मी का है व्रत आज निर्जला। तो चलते हैं किचन में और मैं फ़ोन चार्ज कर लेती हूँ, क्योंकि जाना है हॉस्पिटल तो दिक्कत हो जाएगी। तो नहाना धोना तो हो चुका है जैसा कि मैंने बताया, एंड अभी फटाफट से हो जाते हैं रेडी हॉस्पिटल चलने के लिए। और फिर मिलेंगे हम आपसे हॉस्पिटल में, और अगर हो सकेगा तो मैं फिर दिखाती हूँ आपको अल्ट्रासाउंड का, अगर वहाँ पर रिकॉर्ड करने देते हैं तो मैं दिखाती हूँ आपको बाकी सारी इन्फॉर्मेशन अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड आपको मिलेंगी इस वीडियो में। सो बने रहिए मेरे व्लॉग में और मैं रेडी हो जाती हूँ, मिलते हैं हॉस्पिटल पहुँचने के बाद। मैं पहुँच चुकी हूँ हॉस्पिटल और पति देव जी गए हैं कार पार्किंग करने के लिए, और तब तक हम चलते हैं अंदर। उन्होंने बोला तब तक तुम अंदर चलो, मैं कार पार्क करके आता हूँ। सो अभी चलते हैं अंदर। एंड काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी, धूप थी, बट सुबह सुबह हेयर वॉश करके आई और कल से ज़ुकाम तो हो ही रखा है तो ठंड सी लग रही थी। सो यहाँ पे मैं वेट कर रही हूँ अपने नंबर का, अल्ट्रासाउंड का। सो थोड़ी देर वेट करते हैं एंड उसके बाद से फिर हम कराएंगे अल्ट्रासाउंड। तब तक डॉक्टर ने बोला है आप पानी वगैरह पीते रहिए, क्योंकि अल्ट्रासाउंड कराने से पहले आप जितना पानी पियो उतना बेटर रहता है। सो तब तक थोड़ा सा पानी वगैरह पीते हैं। सो ये यहाँ पे मैंने अपने ही हाथों से शूट किया जो इतना कर पाई, क्योंकि और कोई था नहीं वहाँ पे, सिर्फ डॉक्टर्स थे और मैं उनसे कह नहीं सकती थी कि आप रिकॉर्ड करो, क्योंकि वो मेरे अल्ट्रासाउंड करेंगे या मेरा वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। सो मैंने अपने ही हाथों से रिकॉर्ड किया। अब देखो बेबी दिख रहा है, बेबी का हेड डाउन है और एक शेडो सी दिख रही है, पूरा समझ में आ रहा है। सो काफ़ी अच्छा लगा देख करके, एंड आई होप कि आपको भी अच्छा लगा होगा। फर्स्ट टाइम मेरे हस्बैंड भी मेरे फर्स्ट टाइम ही ऐसे देखेंगे लाइव अपने बेबी को। एंड आप देखिए शेडो से दिख रही है और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था देख करके कि मैं फर्स्ट टाइम आपके साथ भी शेयर कर पा रही हूँ, आप लोगों के साथ भी। सो ये है मेरा बेबी। एंड रिपोर्ट्स आने के बाद से बाकी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। सो मैंने सोचा जब आप लोग मेरे साथ इतने टाइम से जुड़े हुए हो और मेरी हर अपडेट आपके पास है और मुझसे लेना भी चाहते हो, सो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ ये शेयर किया जाए। बहुत ही कम टाइम बचा है, अब बस बेबी हमारी गोद में आने वाला है। तो अभी मेरा अल्ट्रासाउंड हो गया है, रिपोर्ट्स भी मिल गई, रिपोर्ट्स मैं आपको घर जाकर दिखाऊंगी। और मैंने बेबी की मूवमेंट भी वहाँ पे रिकॉर्ड की है, अल्ट्रासाउंड की फ़र्स्ट टाइम रिकॉर्ड करी है, तो वो भी चल के आपको घर पर दिखा, मतलब वो भी क्लिप मैं ऐड कर दूँगी, आप लोग देखिएगा। और क्या क्या बोला डॉक्टर ने वो भी बताऊँगी आपको। सो बने रहिए मेरे ब्लॉग में, फ़र्स्ट टाइम आप मेरे बेबी को देखोगे अल्ट्रासाउंड में। और बेबी क्या दिखता है, मतलब उसकी शेडो सी दिखती है, सो वो दिखाऊंगी आपको। चलते हैं अभी घर, अभी मैंने कैब करी है, कैब आ रहा है, फिर चलते हैं घर। पति देव जी थोड़ा सा कुछ काम आ गया तो चले गए,
पास में ही है बट थोड़ा सा आ नहीं सकते, इस वजह से उन्होंने कैब कर दिया है। तो कैब आने वाली है, फिर चलते हैं घर और आपको फिर रिपोर्ट्स दिखाते हैं। चुकी हूँ घर और पति देव जी नहीं आए, उनको थोड़ा सा काम था तो उन्होंने मेरे लिए कैब कर दिया और कैब से आई मैं और मैंने चेंज वेंज कर लिया है और मैं दिखाती हूँ आपको अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स। और काफ़ी अच्छा लगा, मज़ा आया मेरे को आज क्योंकि मैंने रिकॉर्ड भी किया और जो अल्ट्रासाउंड कर रही थी लेडीज़, दो लेडीज़ थी, वो मेरे बेबी की मूवमेंट्स को देख करके आपस में इतना ज़्यादा हंस रही थी कि मुझे और क्रेज़ हो रहा था देखने का। और बाकी कभी भी कुछ भी हो सकता है क्योंकि उन्होंने फिर मुझसे पूछा भी कि डॉक्टर ने डेट कब की दी है, सो मैंने बताया तो अल्ट्रासाउंड में उन्होंने पूछा एंड उन्होंने ये भी बताया कि बेबी का हेड डाउन है एंड वो नीचे की ओर भी आ चुका है, सो आप एक बारी डॉक्टर से फिर से कंसल्ट कर लो जल्दी में ही कि वो क्या कहते हैं। सो बाकी अभी मेरे कोई ऐसा पेन्स वगैरह नहीं हो रहे, मेरे लोअर एब्डोमेन में पेन रह रहा है, बाकी बैक पेन जैसा सब लोग बताते हैं कि जो डिलीवरी का पेन होता है वो कमर में ज़्यादा होता है और पैरों में, थाइस में बहुत ज़्यादा पेन होता है जो डिलीवरी वाला पेन होता है, तो मुझे ऐसा कोई पेन नहीं हो रहा है। हाँ, मेरे थाइस में पेन है और मेरे लोअर एब्डोमेन में पेन रह रहा है कभी कभी, वो भी लगातार नहीं। सो अभी डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, डॉक्टर क्या कहते हैं फिर आपको बताएंगे एंड अभी मैं शेयर करती हूँ आपके साथ रिपोर्ट। सो ये है मेरी रिपोर्ट्स, मैं बाकी तो कुछ आपको नहीं दिखाऊंगी बट हाँ अभी मेरे 37 weeks 3 days चल रहे हैं एंड ये है मेरी रिपोर्ट्स जिसमें मुझे बेबी दिखाना है ये डॉक्टर के ही समझ का है, मेरे समझ का नहीं है ये रिपोर्ट्स, इसमें बेबी मुझे कहीं भी दिख नहीं रहा है, वो डॉक्टर ही समझ पाएंगे क्योंकि ये उन्हीं के बस की बातें हैं। सो बाकी सारी चीज़ें तो अब डॉक्टर ही बताएंगे। 37 weeks 3 days चल रहे हैं एंड हार्ट रेट मेरा आया है बेबी का 152 BPM। सो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की एंड मैं क्लिप भी ऐड करूँगी, आप वो देखिएगा जितना समझ पाओ आप, क्योंकि जितना मैं समझ पाई उतना आप भी समझ ही लोगे। सो इसी के साथ मेरा ये व्लॉग होता है यहीं पे ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग इन्जॉय करिए इस व्लॉग को एंड खूब ढेर सारा अपना प्यार और सपोर्ट कीजिए। मेरे बेबी आने से पहले आप लोग खूब सारा सपोर्ट कीजिए मुझे यूट्यूब पर और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।